हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो काफी ज्यादा डिस्कशन में है, और टॉपिक का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो फ्रेंड्स, ये चर्चा में है क्योंकि इसको हमारे देश भर में लागू कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि है क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बाद सारे एमसीक्यूज जो भी आ सकते हैं इस क्वेश्चन इस टॉपिक से, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये डिस्कशन में है क्यों। पहली बात तो देखिए, द कॉन्ट्रोवर्शियल सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, द रूल्स ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड इन 2019 वर नोटिफाइड ऑन मार्च 11, 2024। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे 2019 में पारित किया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसको नोटिफाई किया गया है अगेन ऑन मार्च 11, 2024। तो ये डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटर ने ये भी अनाउंस किया है कि इन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बिफोर 2024 इलेक्शन। तो जो 2024 में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, उनसे पहले इस एक्ट को जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, ये हमारे गवर्नमेंट ने कहा है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में और भी डिटेल में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, तो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स कौन होते हैं, इनके बारे में बात करें तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे भारत के दृष्टिकोण से, जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं ना, देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे, एन इलीगल इमिग्रेंट इज वन हु एंटर्स इंडिया विद अ फेक और फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट एंड और डज नॉट पोजेस अ वैलिड पासपोर्ट। तो फ्रेंड्स, ऐसे इमिग्रेंट्स जो इंडिया एंटर करते हैं विथ फेक डॉक्यूमेंट्स और उनके पास कोई वैलिड पासपोर्ट नहीं होता, उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स कहा जाता है, राइट? तो यहाँ पे अब बात करेंगे कि अब यहाँ पे कैसे लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया की, इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये होता क्या है, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद, दोज पीपल हु केम फ्रॉम थ्री नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा ये तीनों कंट्रीज के नाम, तीनों मुस्लिम कंट्रीज जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, एंड हु केम टू इंडिया आफ्टर बींग विक्टिम ऑफ सम काइंड ऑफ टॉर्चर टिल December 2014, will get Indian citizenship. This includes non-Muslim minorities, Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian. So friends, यहाँ पे नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर तीन पड़ोसी मुस्लिम देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत में नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हैं। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, ये मुस्लिम्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए अप्लीकेबल है, जो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस है, इनके लिए है, ठीक है। तो इन्हें यहाँ पे सिटीजनशिप दे जाने की बात की जा रही है। बात करते हैं इन्हें कैसे कैसे यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी इसके बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लॉ, जो प्रीवियस लॉ आया था उसके हिसाब से ये मैंडेटरी था कि जो भी लोग को यहाँ पे सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, उनको एटलीस्ट 11 साल बिताना होता था इंडिया में उनको सिटीजनशिप पाने के लिए। बट अभी इसको चेंज कर दिया गया है हाल ही में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अंडर द न्यू लॉ, जो अभी न्यू लॉ आया है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर अ पर्सन कमिंग आफ्टर 2014 टू स्टे इन इंडिया फॉर अ कंसेक्यूटिव 6 ईयर्स, ओनली देन ही विल बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप। तो फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे पर्सन 2014 के बाद इंडिया में आए हैं, उन्हें 6 कंसेक्यूटिवली रहना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, एंड अ पर्सन हु हैज जस्ट केम टू इंडिया विल हैव टू स्टे इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स, अर्लियर दिस प्रोविजन वॉज फॉर 11 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, अभी जो लोग यहाँ पे, यानी कि अगर जो भी लोग अभी हाल ही में इंडिया में आए हैं, उनको जो है 5 लगातार यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, इसके बाद इन्हें सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ध्यान रखिए, जो 2014 के बाद आए हैं उन्हें जो है 6 लगातार रहना पड़ेगा, और जो लोग अभी अभी आए हैं उन्हें 5 लगातार रहना पड़ेगा इंडिया की सिटीजनशिप पाने के लिए। पहले प्रोविजन में क्या था, 11 रहना पड़ता था उसके बाद सिटीजनशिप मिलती थी, बट अभी इसको चेंज करके, कम करके 5 कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर है कैसे यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया की। मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ क्लियरली। देखिए, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 3 पर्सन है, ए, बी और सी,
ठीक है। तो अगर मान लीजिए ए जो है, ए पर्सन जो है ना, ये 2014 से पहले ही इंडिया में रह रहा है, ओके। और जो बी पर्सन है, ये 2014 के बाद इंडिया में आया है, और सी जो है ना, अभी अभी इंडिया में आया है, ठीक है। हम यहाँ पे प्रेजेंट लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ए पर्सन की, तो ये क्योंकि 2014 से पहले इंडिया में रह रहा था, इसे इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात की जाए बी पर्सन जो 2014 के बाद आया है, तो फ्रेंड्स इसको 6 साल जो है यहाँ पे लगातार इंडिया में रहना पड़ेगा, इसके बाद इसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और सी पर्सन जो प्रेजेंट अभी अभी इंडिया में आया है, इसे 5 साल लगातार इंडिया में रहना पड़ेगा इंडिया की सिटीजनशिप के लिए। और फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ये सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ जो है नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और जो पारसी ईसाई है, इनके लिए है, जो कि आ रहे हैं 3 मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से। तो उनके लिए सिर्फ ये बात हम कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर है कि कैसे यहाँ पे सिटीजनशिप दी जा रही है इंडिया की, बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करेंगे कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रॉम विच डेट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केम इन टू फोर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ है, तो फ्रेंड्स ये लागू हुआ है 11 मार्च 2024 को। अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस दिन जो है इसे लागू किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, सीए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पार्लियामेंट में कब पास किया गया है, इसको 2019 में पास किया गया था 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे उद्देश्य है इसका, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो ये सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएए डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स इनमें से किस में सीएए अप्लाई नहीं होता है, ये अप्लाई नहीं होता है ऑन इंडियन सिटीजन्स, क्योंकि ये जो है माइनॉरिटीज जो है ना, उनके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजनशिप इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में किस भाग में दिया गया है भारतीय संविधान के, तो ये भाग दो यानी कि पार्ट टू में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 द लिमिट ऑफ 11 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस रेसिडेंस इन इंडिया फॉर द इंडियन सिटीजनशिप हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाउ मेनी ईयर्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो 11 साल रहना पड़ता था इंडिया की सिटीजनशिप पाने के लिए, इसको कम करके कितना साल कर दिया गया है, ये कर दिया गया है 5 साल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन, सीए लॉ हैज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड इन 4 स्टेट्स फॉलिंग अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स सीए यानी कि जो अभी हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम है, ये कुछ यहाँ स्टेट्स में अप्लाई नहीं होता है, और ये वो 4 स्टेट्स हैं जो आते हैं अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो शेड्यूल 6 में कौन कौन से यहाँ पे स्टेट्स हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये आते हैं अंडर शेड्यूल 6, जिसके अंडर जो है सीए अप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे स्टेट्स हैं फ्रेंड्स जहाँ पे सीए अप्लाई नहीं होता है, ये ऐसे स्टेट्स हैं जो आते हैं अंडर इनर परमिट, इनर लाइन परमिट, ओके। तो ये स्टेट्स कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। बात करें इनर लाइन परमिट होता क्या है, तो फ्रेंड्स ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है अगर आपको जाना है ऐसे एरिया में जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है। अब ये प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, इस एरिया को ना, ये आदिवासी क्षेत्र होते हैं जिनको मैदानी क्षेत्र से अलग किया जाता है, राइट। तो इसे हम इनर परमिट, इनर लाइन परमिट कहते हैं, और इसके अंडर आते हैं ये 4 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। अगला क्वेश्चन रहेगा, बाय विच प्रेसिडेंट इन इंडिया हैज द सीए लॉ बीन पास्ड। तो किस प्रेसिडेंट ने सीए लॉ को पास किया है, तो फ्रेंड्स ये पास किया है रामनाथ कोविंद, जो कि 2019 में जब ये लॉ पास हुआ था उस टाइम प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन, सीए लॉ इज अप्लीकेबल टू हाउ मेनी कंट्रीज। तो ये कितने कंट्रीज में लागू की गई है, तो फ्रेंड्स ये 3 कंट्री के लिए लागू हो गई है, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीआर। अब एनपीआर क्या है, अभी अभी हमने डिस्कस किया सीए, इसका फुल फॉर्म था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक और फुल फॉर्म आपके लिए आ रहा है, ये है एनपीआर, जिसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर
हिंदी में हम इसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो सुटेबल बोथ कर लीजिए, आपको दोनों पता होने चाहिए। एनपीआर है क्या फ्रेंड्स? देखिए, द गवर्नमेंट यूजेस इट टू इम्प्लीमेंट स्कीम्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट यूज करती है स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई सिटीजनशिप की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। एनपीआर से सिटीजनशिप नहीं दी जाती, इसको स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ओनली द इन्फॉर्मेशन गिवन बाई पीपल इन एनपीआर इज कंसिडर्ड करेक्ट, दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। मैंने आपको बताया ये सिटीजनशिप के लिए कोई भी प्रूफ नहीं होता। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरसी? अब एनआरसी क्या है फ्रेंड्स? एनआरसी का फुल फॉर्म है यहाँ पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये क्या है? थ्रू दिस इमिग्रेंट्स लिविंग इलीगली इन द कंट्री आर आइडेंटिफाइड। इसे क्या किया जाता है? जो भी कंट्री में इलीगली रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर दिस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आर आस्क्ड फ्रॉम पीपल। तो इसको जानने के लिए उनसे जो आइडेंटिटी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको मांगा जाता है। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एनआरसी कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है? इसको असम में इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनपीआर कम्स अंडर विच सिटीजनशिप एक्ट? तो एनपीआर किस सिटीजनशिप एक्ट के अंदर आता है? यह आता है फ्रेंड्स अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजनशिप इज देयर इन इंडिया? तो इंडिया में किस तरीके की सिटीजनशिप है? यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, विच एक्ट बैन्स इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम अक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप? तो देखिए, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिटीजनशिप एक्ट 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट एनआरसी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट? तो पहले बार यहाँ पे एनआरसी को इम्प्लीमेंट किया गया है असम में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एनआरसी के बारे में बताने टाइम, है ना। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप हैज बीन गिवन? तो फ्रेंड्स अब आपसे आर्टिकल पूछा जा रहा है जहाँ पे सिटीजनशिप की बात की गई है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। आर्टिकल 5 से 11 में बात की गई है अबाउट सिटीजनशिप। इसके साथ फ्रेंड्स पार्ट हमने डिस्कस किया है, पार्ट 2 में इसके बारे में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास्ड इन द लोकसभा? तो लोकसभा में इस नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया है? इसको पास किया गया है 9 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट रहेगा, देखिए राज्यसभा में इसे कब पास किया गया? तो फ्रेंड्स राज्यसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास किया गया है 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को पास किया गया है कहाँ पे? लोकसभा में, है ना। इसके साथ 11 दिसंबर को ये पास किया गया है राज्यसभा में। दोनों डेट्स याद रखें, 2019 ईयर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ माइग्रेंट्स विल गेट सिटीजनशिप आफ्टर स्टेइंग इन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स इंस्टेड ऑफ 11 ईयर्स? अगेन सेम क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स 11 ईयर्स था पहले, सिटीजनशिप अक्वायर करने के लिए आपको 11 ईयर्स लगातार यहाँ रहना पड़ता था, बट अभी इसको चेंज करके 5 ईयर्स कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इन द लोकसभा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में किसने इम्प्लीमेंट किया है, इंट्रोड्यूस किया है? तो इसे इंट्रोड्यूस किया है अमित शाह ने। आपका अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल वोट्स वर कास्ट इन द लोकसभा अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल? तो फ्रेंड्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी कि नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कितने वोट पड़े थे टोटल? तो यहाँ पे टोटल 391 वोट पड़े थे, इसमें फेवर में थे 311 और अपोजिशन में थे 18। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैज द नेम ऑफ सीएबी चेंज टू आफ्टर गेटिंग द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल? तो राष्ट्रपति के मुहर लगाने के बाद सीएबी का नाम बदलकर क्या हो गया? तो फ्रेंड्स सीएबी का नाम बदलकर चेंज कर दिया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीए। नेक्स्ट, इट हैज बीन डिसाइडेड टू गिव सिटीजनशिप टू द माइनॉरिटीज ऑफ विच कंट्रीज थ्रू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल? तो फ्रेंड्स अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि तीन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया जहां से जो माइनॉरिटीज हैं उनको सिटीजनशिप देने की बात की गई है अंडर सीए, है ना। तो यहाँ पे ये तीन कौन कौन से कंट्रीज हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो सुटेबल ऑल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट रहेगा, हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इन राज्यसभा? देखिए फ्रेंड्स नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो पक्ष में यहाँ पे 125 वोट्स पड़े थे। नेक्स्ट रहेगा, हाउ मेनी माइनॉरिटी कम्युनिटी विल द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल प्रोवाइड सिटीजनशिप टू?
तो नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा? तो ये टोटल 6 अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा। कौन से ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पीपल हु केम टू इंडिया बिफोर विच डेट विल बी ग्रांटेड सिटीजनशिप? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 31 दिसंबर 2014। नेक्स्ट, बाय व्हाट प्रोसेस विल माइग्रेंट्स गेट सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल? तो यहाँ पे नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? ये मिलेगी बाय सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बीन अमेंडेड? तो इसको कितने बार अमेंड किया गया है? इसको फ्रेंड्स 6 बार अमेंड किया गया है। कब कब? 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005, 2015 और 2019 में। अगला रहेगा, हाउ टू गेट सिटीजनशिप इन इंडिया? तो भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? ये सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलती है, ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एरिया इंक्लूजन। तो सुटेबल ऑल इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल वोट्स वर कास्ट इन द राज्यसभा अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल? तो यहाँ पे फ्रेंड्स राज्यसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए जो टोटल वोट्स कास्ट किए गए थे वो थे 220, और अपोजिशन से जो वोट्स आए थे ना राज्यसभा में ये 95 थे। अगला रहेगा, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 368 में। इसके साथ फ्रेंड्स अमेंडमेंट के बारे में ना, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है? ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, फ्रॉम विच कंट्री हैज कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप बीन अडॉप्टेड? तो सिटीजनशिप यानी नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोविजन है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको CA है ना, इसके साथ NRC, ऐसे ये सारे फुल फॉर्म्स जो है आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। इसके अलावा NPR भी है, तो आप ये तीनों को जो फुल फॉर्म्स है वो आप ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमने हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्लियर कर दिया है इस वीडियो में। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया, आपको समझ में आ गया, तो आप इन दोनों टेस्ट क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताएं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAA? ठीक है, तो CAA का फुल फॉर्म क्या है आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, सिटीजनशिप इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो सिटीजनशिप इनमें से किससे रिलेटेड है, किस पार्ट में दिया गया है अबाउट सिटीजनशिप, ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। राइट, तो फ्रेंड्स ये है आपके दो टेस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसके साथ फ्रेंड्स मैंने आपको पेड PDF के वेबसाइट के बारे में नहीं बताया। देखिए ये है www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDFs होती है ना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी, तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ईयरली करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा 2023 का, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप चाहें तो आप इस वेबसाइट से जाके उन्हें बाय कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।